सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ ज्ञान चैनल को और बेल के आइकन को टैप कीजिए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सेल्फ ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी विलेज के जो है आप मतलब किसके नाम से कौन सा जमीन है, आप उसका खेसरा नंबर उसके नाम के साथ कैसे निकाल सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी इसी के बारे में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हम जो किसी भी जमीन का खतियान नंबर, खेसरा नंबर जो उसके नाम से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ज़्यादा बेटर है कि आप गूगल ब्राउजर ओपन कर लीजिए, क्रोम जो होता है उसमें ज़्यादा इजीली रहेगा आपको ओपन करने में। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है भूलेख, VHULEKH स्पेस, आप जिस स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, बिहार से बिहार, या फिर MP से MP से, जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। और मैं सर्च कर देता हूँ, बिहार मैंने टाइप किया है एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो यहाँ हमारे सामने बहुत सारे लिंक है। तो जो सबसे टॉप पे है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, इस पर हमें सेलेक्ट करना है इसको हमें। ओके, मैंने सेलेक्ट किया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। और खतियान नंबर देखने के लिए, खाता नंबर देखने के लिए आप यहाँ पे एक लिंक देख रहे हैं, अपना खाता नंबर देखें, इसके ऊपर आपको टैप करना है। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। और हमारे सामने बिहार के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट को जो अभी ऐड नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने खगड़िया सेलेक्ट किया। ओके, हमारे सामने खगड़िया के अंदर कितने सारे गाँव हैं यहाँ पे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए, जो है परबत्ता है, मैं परबत्ता पे टाइप करता हूँ। ओके, हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। तो आपको जानने के लिए आपका सबसे पहले आपको कौन सा गांव है आपको ये सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप लेफ्ट साइड में ये लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट के अंदर आपका गांव का नाम जरूर होगा, आप गांव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए कोई भी गांव एक किसी पे भी मैं टैप कर देता हूँ। चलिए RG दरियापुर है, मैं इस पर टैप कर देता हूँ। ओके, ये सेलेक्ट हो गया। अब लेकिन नीचे एक ऑप्शन आएगा खाता खोलने, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें पेज को रिफ्रेश करना होगा। तो मैं किसी भी ये पांचों ऑप्शन में किसी पे टैप कर देता हूँ ताकि पेज जो रिफ्रेश हो जाए। अब मैं वापस उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मौजा के समस्त खातों को नामानुसार देखें। अगर आपके पास खाता नंबर है या फिर नाम है तो आप मैनुअली यहाँ से टाइप करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं जो ऑटो जो सिस्टम दिया गया है मैं वो करने वाला हूँ। ओके, पेज रिफ्रेश हो गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया हमारे सामने खाता खोजें। तो चलिए मैं इस पर टैप करता हूँ। ओके, प्रोसेसिंग जो है चालू हो गई है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक मिनट का टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा। ओके, जैसे हमने किया तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो करके, और आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे लिस्ट आ गए यहाँ पे। तो आपका जो कौन सा खतियान नंबर है, कौन सा खेसरा नंबर है, ये 40 नाम है, इसके बाद भी 1, 2, 3 अभी और भी नाम है, इसमें कम से कम 100-150 नेम होंगे। तो आप यहाँ से मैनुअली चेक कर सकते हैं। और आप जब इसके सामने आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, खाता संख्या क्या है, खेसरा नंबर कितना है। और अगर आप किसी बंदे के बारे में अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए, तो सपोज दैट मैं फर्स्ट नंबर के बारे में पूरी जानकारी चाहता हूँ, तो उसके सामने एक ऑप्शन दिया गया देखेगा ऑप्शन, तो इस पर हमें टाइप करना है। ओके, हम फिर से जो है नेक्स्ट पेज में हम पहुँच जाएंगे, और ये पेज ओपन होने वाला है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो फाइनल पेज जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। आप यहाँ से पूरी जानकारी आप निकाल सकते हैं, देखिए किसकी किसके नाम से, उनके परिवार में कौन कौन है, मतलब बहुत सारी जानकारी, जो कि मैं तो इतना जान नहीं सकता कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप जानकार हैं तो आप बिल्कुल अब पता लगा सकते हैं कि किसके नाम से ज़मीन है, प्रॉपर है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप जानकारी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली वे में खाता संख्या जो है, खेसरा नंबर वगैरह, नाम किसके नाम से, आप जो ज़मीन के बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।